दोस्तों, अक्सर लोगों को कार या बस में सफर के दौरान जी मचलना और उल्टी की शिकायत होती है। कई बार आपको सफर के दौरान न सिर्फ कुछ घंटे बल्कि 3-4 दिनों तक चक्कर, घबराहट, जी मचलने या उल्टी जैसी समस्याएं होती हैं, जिसे मोशन सिकनेस कहते हैं। दोस्तों, मोशन सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जब हमारे दिमाग को भीतरी कान, आँख और त्वचा से अलग अलग सिग्नल मिलते हैं, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम दुविधा में पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो मोशन सिकनेस से निपटना बेहद आसान है। दोस्तों, किसी भी बड़े वाहन के पीछे की सीट पर बैठने से गति का एहसास अधिक होता है। दोस्तों, सबसे अच्छा होगा कि आप बीच की सीट पर ही बैठें, और अगर कार है तो फ्रंट सीट पर ही बैठें। और दोस्तों, सफर के दौरान किताब ना पढ़ें, इससे दिमाग को गलत संदेश मिलता है। सफर के दौरान जी मचलने या चक्कर जैसा लगने की स्थिति में कोल्ड ड्रिंक, अदरक, मिंट, कैंडी, च्युइंगम आदि के सेवन से आपको आराम मिल सकता है। अधिक दिक्कत होने पर खिड़की का शीशा खोलें और बाहर की ओर मुंह करके बैठें, इससे आप अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों, अक्सर जो लोग बिना कुछ खाए सफर पर निकल जाते हैं, उन्हें मोशन सिकनेस अधिक होता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं दोस्तों कि आप बहुत हैवी डाइट लें। हमेशा कहीं जाने से पहले घर से हल्का नाश्ता करके ही निकलें। और दोस्तों, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।